ये आप जो देख रहे हो, देखिए ये पोलर कैपेसिटर होते हैं जिनमें ये पट्टी जो दिख रहा है इसमें माइनस का निशान है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो ये जो आप लेग देख रहे हो, ये वाला लेग, ये लेग माइनस वाला है और उसके ठीक ऑपोजिट में ये प्लस वाला लेग होता है। ये पोलर कैपेसिटर इसीलिए कहा जाता है कि इसका दो पोल होते हैं, दो डिफरेंट पोल होते हैं जो प्लस माइनस होते हैं, इसी वजह से इसको पोलर कहा जाता है। ये भी एक पोलर कैपेसिटर है, देखिए उसी तरह का, उससे भी थोड़ा छोटा। देखिए ये माइनस का निशान है, पट्टी है, उसी तरफ लेग माइनस है और अपोजिट वाला प्लस है। लेकिन ये जो SMD टाइप कैपेसिटर आप देख रहे हो, ठीक है, ये देखिए मैं थोड़ा क्लोज लाता हूँ। ये जो SMD टाइप कैपेसिटर आप देख रहे हो, ये SMD टाइप कैपेसिटर है। ये एक्चुअली इसका कोई पोल नहीं होता है, इसमें प्लस माइनस नहीं होता है। ये देखने में लाइट ब्राउन कलर के होते हैं और लाइट येलो कलर के होते हैं और इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं होता है। इसको जैसे भी आप बोर्ड में PCB में लगाओगे वो ठीक से काम करेगा, लेकिन इसको थोड़ा पहचान लीजिए। ये सिर्फ ब्राउन कलर की, लाइट ब्राउन कलर की होते हैं और लाइट येलो कलर की होते हैं। अगर पूरा व्हाइट हो जाए, ब्लू हो जाए या मल्टी कलर ब्लू व्हाइट मिला के हो जाए, वो सब कॉयल होते हैं। मैं आगे और एक वीडियो में बहुत जल्दी बताऊँगा कि कॉयल कैसे होते हैं, उसका टेस्टिंग कैसे होता है, वो देखने में कैसे होते हैं, ठीक है। तो सारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, चाहे वो SMD वाले हो, चाहे ये बड़े वाले जो पुराने बोर्ड्स के हों, सारे कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के बारे में आपको सारे टेस्टिंग और उसका फंक्शन मैं आपको बताऊंगा। अगर ज़रूरत पड़े तो एक एक कंपोनेंट में, जैसे कैपेसिटर में मैं दो पार्ट कर रहा हूँ, एक पार्ट में आपको टेस्टिंग बताऊंगा और दूसरे पार्ट में कैपेसिटर की यूजेस और बहुत ही डीप नॉलेज दूंगा कैपेसिटर के बारे में। तो इस तरह सारे कंपोनेंट्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि मुझे फील होता है कि बहुत सारे टेक्नीशियन हैं जो काम तो कर लेते हैं लेकिन ये टेस्टिंग और उसका फंक्शन समझ नहीं सकते हैं, इसीलिए उनको ट्रेसिंग में प्रॉब्लम होता है। एक्चुअली बोर्ड में फॉल्ट को ढूंढने के लिए आपको सबसे पहले, सबसे बहुत ज़रूरी होता है कि कंपोनेंट्स की बहुत ही डीप नॉलेज होनी चाहिए। तो हो सकता है ये सारे कंपोनेंट्स में दो दो पार्ट में बना सकता हूँ, जैसे कैपेसिटर का दो पार्ट बना रहा हूँ अभी आपको, एक जो कंटिन्यूटी मोड पे है और जो ओम रेंज में है और कंटिन्यूटी रेंज पे या बजर रेंज पे, बस ये दोनों में कैसे टेस्ट होता है इस पार्ट, पहली पार्ट में आपको बताऊंगा, और तीसरे पार्ट में कैपेसिटर को जो वोल्टेज रेंज में कैसे टेस्ट किया जाता है, जो बड़े वाले कैपेसिटर फैन में लगे होते हैं या हाई पावर मोटर में जो लगे होते हैं जो कैपेसिटर, वो कैसे उनको AC वाले ऑल्टरनेट करंट वाले कैपेसिटर कैसे टेस्ट किया जाता है, वोल्टेज रेंज पे कैसे वो टेस्ट किया जाता है, AC वोल्टेज रेंज में कैसे टेस्ट किया जाता है, वो सब सेकंड पार्ट में बताऊंगा। अभी सिर्फ ये जो कंटिन्यूटी मोड है और ये बीप रेंज है, इसके साथ आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आप बने रहिए वीडियो के साथ। अब देखते हैं कि ये कैपेसिटर एक्चुअली जब बोर्ड, हाँ, और एक कन्फ्यूजन भी होता है बहुत सारे टेक्नीशियन को, बोर्ड में इसका टेस्टिंग थोड़ा अलग होता है और बाहर, बोर्ड से बाहर ये थोड़ा अलग होता है। अगर ये दोनों टेस्टिंग मेथड से आप एक कैपेसिटर को टेस्ट कर लोगे तो ये 100% आप क्लियर हो जाओगे, ठीक है। आज आपका सारे डाउट क्लियर होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे कंटिन्यूटी मोड पे मल्टीमीटर को डाला हुआ है। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का मल्टीमीटर, ये बहुत सारे काम में आता है, ये क्लैंप में होता है, तो इसको मैं थोड़ा अपने हिसाब से ये वाला मल्टीमीटर यूज़ कर रहा हूँ। चलो ये बीप रेंज में आप चेक कर रहे हो, देखिए बीप रेंज में जब कैपेसिटर आप पहले ये पोलर कैपेसिटर को टेस्ट करते हैं, ठीक है। देखिए मैं इसका प्लस को प्लस के साथ और माइनस को माइनस के साथ लगाया, ठीक है। अभी कैपेसिटर चार्ज हो गया, ठीक है। अभी आपका ये कैपेसिटर चार्ज हो गया, कुछ बीप नहीं आया। बीप नहीं आया मतलब भी सही है, ठीक है, लेकिन चार्ज होने के बाद अगर थोड़ा हाई वैल्यू का कैपेसिटर हो तो ऐसे जब टच करोगे हल्का सा बीप आएगा, फिर चला जाएगा। अगर लंग बीप, लंबा बीप चालू रहे तो कैपेसिटर खराब है, ठीक है। तो देखिए उस तरफ मैं घुमाता हूँ, अभी कैपेसिटर
ये कैपेसिटर चार्ज हो गया है तो हल्का सा बीप आएगा फिर बंद हो जाएगा, ठीक है? आप सुन रहे हो, इसको टाइम लगेगा, थोड़ा छोटे में करते हैं। हाँ, कैपेसिटर दोनों लेग में बीप नहीं आना चाहिए, और एक हल्का सा बीप आता है जो कि उसका चार्जिंग डिस्चार्जिंग को इंडिकेट करता है, ठीक है? तभी आपको पता चलेगा कि सही है। हाँ, ये देखिए अभी कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है? जब मैं इसको घुमाऊंगा ना, एक हल्का सा बीप आएगा फिर बंद हो जाएगा, तो मान लेना कि ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग कर रहा है और सही है। देखिए, ठीक है, हल्का सा बीप आया और बंद हो गया। फिर से घुमाता हूँ, फिर से हल्का सा बीप आएगा और बंद हो जाएगा, ठीक है? इसका मतलब ये चार्जिंग कर रहा है और डिस्चार्जिंग भी कर रहा है, तो ये कैपेसिटर सही है। लेकिन कंटिन्यूस बीप आए तो ये ख़राब है, ठीक है? कंटिन्यूस बीप नहीं आना चाहिए। तो देखते हैं ये SMD कैपेसिटर कैसे काम करता है, उसी तरह सेम ही है। हाँ, कैपेसिटर जब काम कैपेसिटर का काम सेम ही है तो उसका टेस्टिंग बिल्कुल सेम ही होगा। आप देखिए, मैं बताता हूँ आपको, देखिए अब कैपेसिटर चार्ज हो गया। जब मैं इसको घुमाऊंगा, उसका उल्टा करूंगा, फिर हल्का सा बीप आएगा और चला जाएगा, ठीक है? आपको सुनाई दे रहा है? फिर से मैं घुमाता हूँ, देखिए हल्का सा बीप आएगा और चला जाएगा, देखिए, ठीक है? इसका मतलब यह है, जब पहली बार मैंने इसको टच किया दोनों प्रोब में, ये चार्ज हो गया, फिर जब मैं उसको घुमा के टेस्ट कर रहा हूँ बीप मोड में, तो वो थोड़ा सा चार्ज ले रहा है। जब चार्ज लेता है ये करंट को पास करता है, जब चार्ज फुल हो जाता है तो ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है? तो इसका मतलब यही है कि जब ये चार्ज ले रहा है तभी ये कनेक्टेड होता है। मतलब देखिए, हल्का सा बीप आया तो कनेक्टेड हुआ, जब चार्ज पूरा हो गया तो उसने डिसकनेक्ट कर दिया, ठीक है? तो ऐसे ये कैपेसिटर का टेस्टिंग ये बिल्कुल ऐसे सही होता है। लेकिन एक छोटा सा कैपेसिटर है, देखिए, और एक छोटा सा कैपेसिटर है, इसके दो प्रोब में मैं लगाता हूँ तो ये कंटिन्यूस बीप आ रहा है, ठीक है? कंटिन्यूस बीप आ रहा है मतलब ये कैपेसिटर शॉर्ट है, ठीक है? देखिए दोनों तरफ से बिल्कुल कंटिन्यूस बीप आ रहा है, देखिए, ठीक है? ये कैपेसिटर खराब है। हाँ, तो इसको देखते हैं हम बोर्ड में कैसे चेक करते हैं, ठीक है? ये एक मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल का एक बोर्ड है, ठीक है? पीसीबी है इसको, ये वाले टाइप पीसीबी को हम SMD बोलते हैं, जिसमें सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो SMD टाइप है, जिसको आप चिप टाइप बोलते हैं, ठीक है? ये देख रहे हो आप, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 कैपेसिटर लगे हुए हैं। हाँ, तो देखिए ऐसे ऑन बोर्ड भी इसको ऐसे ही टेस्ट किया जाता है, तो दोनों प्रोब में हम लगाते हैं तो बीप नहीं आना चाहिए। और एक तरह से हम टेस्ट भी करते हैं रेड प्रोब को ना, रेड को, मल्टीमीटर के रेड को हम ग्राउंड के साथ लगाते हैं और कैपेसिटर को दोनों और टेस्ट करते हैं, एक तरफ बीप नहीं आएगा, एक तरफ बीप आएगा, क्योंकि ये कैपेसिटर जो होते हैं इस PCB में हमेशा पैरेलल में लगे होते हैं, ठीक है? तो पैरेलल में लगे होते हैं तो ये प्लस में तो इसके साथ बीप नहीं आएगा, ये प्लस वाला है, और जो ग्राउंड जो माइनस का सिरा है उसके साथ तो ये भी माइनस है, ठीक है? तो इसके साथ ये बीप आएगा, ठीक है? तो इस तरह से टेस्टिंग करने से जो ये जो रिजल्ट अगर आए, एक तरफ बीप एक तरफ बीप ना आए, तो ये कैपेसिटर सही होता है, ठीक है? कैपेसिटर के और थोड़ा डीप टेस्टिंग के लिए मैं वीडियो का सेकंड पार्ट भी बताऊंगा, इस ऑनबोर्ड में भी और किस तरह की घटनाएं होते हैं। अगर ये सारे कैपेसिटर आपको बीप देंगे तो इसका मतलब तो ये नहीं कि ये सारे कैपेसिटर खराब है, तो किस वजह से ये पूरा कैपेसिटर सारे दोनों तरफ बीप देते हैं, किस वजह से, कैसे और डीपली टेस्ट कर सकते हैं, और थोड़ा एडवांस में टेस्ट मैं इस पार्ट की, इस वीडियो की सेकेंड पार्ट में आपको बहुत ही क्लियरली बताऊँगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये मल्टीमीटर में हमारे जो ओम रेंज है उसमें कैसे हम टेस्ट करते हैं, ठीक है? देखिए अभी हम कंटिन्यूटी मोड पे टेस्ट कर रहे थे कैपेसिटर को, अभी हम जो ये ओम ओम वाले रेंज है ये
उसमें टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं मल्टीमीटर को ओम रेंज में ले जाता हूँ, ठीक है। अब ओम रेंज में सिलेक्ट किया, अब देखिए क्या होता है। मैं कैपेसिटर को पहले डिस्चार्ज करवा देता हूँ, क्योंकि इससे पहले हम इसको टेस्ट भी किए थे। तो एक दो सेकंड में इसको दोनों प्रोब को दोनों लेग को अगर स्टार्ट करते हैं तो ये डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो ये मैं डिस्चार्ज कर देता हूँ। देखिए मैंने इसको चिमटी से पकड़ पकड़ के ट्वीजर से पकड़ के इसको डिस्चार्ज कर लिया। तो अभी इसको हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। देखिए मैंने अभी ओम रेंज पे रखा हुआ है मल्टीमीटर को। तो जब हम दोनों प्रोब को कनेक्ट करेंगे तो आप रीडिंग देखिए क्या होता है। सॉरी गुम हो गया यार। हाँ ये है, चलिए ये भी है, इसको देख लेते हैं। देखिए कुछ रीडिंग आएगी फिर जीरो हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह उसके उसको उल्टा करके कुछ रीडिंग आएगी नहीं आएगी, क्योंकि ये पूरा चार्ज हो गया है, ठीक है। इसको फिर से हम डिस्चार्ज करवाते हैं। डिस्चार्ज देखिए मैं चिमटी से फिर से पकड़ा इसको, तो ये डिस्चार्ज हो गया। अभी फिर से हम अगर टेस्ट करेंगे तो कुछ रीडिंग आएगी और चली जाएगी, और तो आपको ये सही माना जाता है। जब रीडिंग आके चली जाती है तो ये सही माना जाता है। देखिए मैं फिर से करता हूँ, देखिए कुछ रीडिंग आ रही है, अब जीरो हो गई, ठीक है। तो उसी तरह सॉरी देखिए कुछ रीडिंग आएगी फिर चली जाएगी, ठीक है। तो आप कैपेसिटर को सही मानना, हाँ जब रीडिंग आके चली जाए तो आप सही मानना, ठीक है। देखिए देखिए कुछ रीडिंग आ रहा है, अब जीरो हो गई, ठीक है। तो इस तरह हम कैपेसिटर को, ये जो SMD टाइप कैपेसिटर होते हैं उनको टेस्ट कर सकते हैं। तो उसी तरह यही ओम रेंज में अगर हम ये पोलर कैपेसिटर जो होते हैं इनको टेस्ट करें तो ये इसका इसको मैं शॉर्ट करवा देता हूँ। देखिए मैंने शॉर्ट इस तरह से दोनों लेग को किसी भी मेटल में लगा के इसको मैं डिस्चार्ज करा देता हूँ, जो शॉर्ट हो जाता है तो ये डिस्चार्ज हो जाता है। तो फिर अभी हम जब ये माइनस को माइनस में लगाएंगे और प्लस को प्लस में लगाएंगे, देखते हैं ये वाले। देखिए ये यहाँ पे माइनस वाला है और ये वाला प्रोब जो है ये वो प्लस का है। तो अगर हम देखते हैं ये जो ओम रेंज में ये पोलर कैपेसिटर को हम कैसे टेस्ट करते हैं, कुछ इसमें भी उसी तरह कुछ रीडिंग आएगी और फिर जीरो हो जाएगी, तो इसको सही माना जाता है। अगर इसमें बीप आए बीप रेंज में तो ये खराब होता है, और इसमें वही कुछ रीडिंग आती है फिर चली जाती है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ माइनस की तरफ प्लस की तरफ प्लस को रखा, और देखिए प्लस की तरफ प्लस को रखा और माइनस को यहाँ पे टच कर रहा हूँ, सॉरी छूट गया। ये देखिए, ठीक है, देखिए कुछ रीडिंग आ रही है फिर जीरो हो गई, फिर से वही होगा। देखिए कुछ जीरो हो गई फिर से, ठीक है, इस तरह जीरो हो जाएगी। हाँ फिर से हम इसको डिस्चार्ज कराते हैं। देखिए मैं दोनों पिन को शॉर्ट करके ना ऐसे ऐसे शॉर्ट करके मैं डिस्चार्ज करवा देता हूँ उसको, फिर से वही करते हैं। देखिए मैंने रेड को रेड में लगाया और ब्लैक को माइनस में लगाया, देखिए तो कुछ रीडिंग आएगी फिर चली जाएगी, ठीक है। देखिए कुछ रीडिंग आ रही है फिर चली गई, ठीक है। उसी तरह अगर हम फिर से उल्टा करके किसी भी तरफ उसी तरह आएगा, देखिए ये अभी चार्ज है, इसको हम आप उसी तरह डिस्चार्ज कर दोगे तो फिर से वही। अगर हम कहीं पे भी इसको लगाएं तो देखिए कुछ रीडिंग आएगी फिर चली जाएगी, देखिए ठीक है, कुछ रीडिंग आ रही है फिर चली गई, ठीक है। अगर रीडिंग आके चली जाती है तो रीडिंग आने का मतलब यह है कि ये चार्ज लेता है और चार्ज इसमें फुल हो जाने के बाद वो डिस्कनेक्ट करवा देता है, ठीक है।
तो इस तरह की हम ये दोनों पीसीबी वाले जो कैपेसिटर होते हैं वो टेस्ट करते हैं। जो एसी कैपेसिटर होते हैं वो भी इसी तरह है, कुछ उसमें रीडिंग आएगी फिर चली जाएगी, ठीक है, तो आप उसको सही मानोगे। तो इसको जब ये कभी जो बोर्ड में लगे होते हैं, जो ये एसएमडी टाइप या कुछ भी हो, तो अगर ये कंटिन्यूअस ऐसे बीप, इस तरह बीप रेंज में ना जब बोर्ड में लगे होंगे, तो देखिए मैं बोर्ड को एक लाता हूँ, देखिए जब ये बोर्ड में लगे होंगे तो अगर ये बीप आए ना, ये गलत होते हैं, तो आप इसको गलत मान सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पे आप कैपेसिटर देख रहे हो, ये एक मोबाइल का पीसीबी है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक कैपेसिटर है, देखिए ये दोनों तरफ कुछ देखिए, सॉरी ये बीप मैंने सिलेक्ट नहीं किया। हाँ देखिए मैं इसको अभी ऑन बोर्ड ही टेस्ट करवा के दिखाता हूँ आपको। ये कंटिन्यूटी मोड पे आपको रखना है, ठीक है, ये कंटिन्यूटी मोड पे आप देख रहे हो, ये यहाँ पे सिंबल डिस्प्ले में ये कंटिन्यूटी मोड पे है। हाँ एक्चुअली क्या है ना, ये जो फंक्शन की है ये दोनों एक ही थोड़ा एडवांस है, ये डायोड और जो कंटिन्यूटी मोड एक ही ऑप्शन में है, तो उसके लिए हमें ये फंक्शन बटन को दबा के जब दबाओगे तो ये बीप का रेंज इसमें यहाँ पर डिस्प्ले में दिखाई देता है, तभी ये बीप रेंज सिलेक्ट होता है, ठीक है। ये मल्टीमीटर थोड़ा सा अलग सा है, इसीलिए मैं आपको बताया कि आपको कभी भी काम में आ जाए। तो अभी मैं बीप में रेंज में उसको रखा हूँ, इसको टच कर रहा हूँ तो बीप आ रहा है, आप देखिए। अगर यहाँ पे अनबोर्ड बोर्ड में जब कैपेसिटर होते हैं, तो अगर आप इसको देखिए, इस कैपेसिटर को ना अगर आप इस तरह दोनों प्रोब में ऐसे टच करते हो, अगर ये बीप करे तो मान लेना कि ये कैपेसिटर अनबोर्ड खराब है। या इसका देखिए, एक एक को मैं ग्राउंड करता हूँ, देखिए एक प्रोब को मैं ग्राउंड किया, एक तरफ बीप आएगी एक तरफ नहीं आएगी, एक तरफ बीप आ रही है क्योंकि ये कैपेसिटर हमेशा ये पीसीबी में, मोबाइल पीसीबी में ये हमेशा ये पैरेलल में लगे होते हैं, एक तरफ माइनस में लगा होता है एक तरफ प्लस में लगा होता है। तो ये जब ये जो है हमारा माइनस है, ये ग्राउंड है, आप इसको ग्राउंड बोलते हो, तो ग्राउंड एक तरफ तो ग्राउंड ही होगा, तो ये बीप ग्राउंड के साथ बीप दे रहा है, तो दूसरी तरफ तो प्लस है, तो वो आप देखिए, देखिए जो दूसरी तरफ ये प्लस है तो वहां पे बीप नहीं देगा। अगर दोनों तरफ बीप देता है तो मान लीजिए ये कैपेसिटर खराब है। मैंने आपको बता दिया कि बोर्ड बोर्ड में होते हुए कैसे टेस्ट करते हैं, और बोर्ड से बाहर होते हुए इसको कैसे टेस्ट करते हैं। तो इस तरह से टेस्ट करेंगे तो आपको कहीं कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की सारे जितने भी मोबाइल और आगे लैपटॉप की सारे जो रिपेयरिंग की वीडियो है, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ पूरा स्केमेटिक डायग्राम के साथ, सारे जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, जितने भी आईसी होते हैं, जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, जितने भी पार्ट्स मोबाइल में लगे होते हैं, सारे का मैं ये ट्रेनिंग वीडियोस में आपको देने वाला हूँ। तो आप अगर इस चैनल के साथ जुड़े रहोगे तो आप अच्छे से मोबाइल रिपेयरिंग को, मोबाइल कैसे काम करता है, उसको कैसे रिपेयर करते हैं, उसको समझ सकते हो और खुद अपने मोबाइल ठीक कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।